दो दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि कैसे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की अर्जी की न्याय फिल्म जो कि सुशांत की लाइफ पर बनाई गई है उस पर स्टे लगाए, लेकिन हाईकोर्ट ने सुशांत के पिता की इस अर्जी को रद्द कर दिया है, जिसके बाद 11 जून को ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन मेकर्स ने 11 जून को इस फिल्म को रिलीज तो नहीं किया, लेकिन अब इस फिल्म का ट्रेलर नजर आया है और ट्रेलर पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है, जो साफ तौर पर नजर आया है IMDb रेटिंग पर। इस ट्रेलर को 1 की रेटिंग दी है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि कैसे उनका नाम इस्तेमाल करके उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से पब्लिक किया जा रहा है। जहां एक तरफ इस फिल्म का टीजर जो कि पहले आ गया था उसमें दिखाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत कितना बड़ा एक्टर है या कितना बड़ा स्टार है, वहीं ट्रेलर में अब कुछ और चीज़ें भी दिखाई गई है, जिसमें सुशांत के रिश्तों पर बात की गई है, सुशांत की बीमारी पर बात की गई है, और मेकर्स का कहना है कि हमने इस फिल्म में कहीं भी सुशांत का नाम इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिल्म के कई फ्रेम्स ऐसे हैं जिसको देखकर साफ क्लियर होता है कि ये फिल्म जो है सुशांत के लाइफ पर ही बनी है। हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अर्जी तो रद्द कर दी, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस फिल्म को नीचा दिखाने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने फिल्म को ख़राब रिव्यूज़ और ख़राब रेटिंग्स देना अभी से ही शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये फिल्म बनाई है श्रुति मोदी के वकील ने, अशोक एस सरावगी। श्रुति मोदी वो शख्स है जो वन ऑफ द अक्यूज्ड है सुशांत के पिता के सिंह ने जो FIR लिखवाई है उसमें, और श्रुति मोदी से भी CBI, ED, NCB सब ने बात की है। अशोक एस सरावगी केस से जुड़े तभी उन्होंने इस फिल्म का ऐलान कर दिया था। फिल्म में शक्ति कपूर NCB ऑफिसर का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं रियलिटी से कनेक्ट करता है, क्योंकि शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर को NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया था सुशांत सिंह राजपूत मामले में ही।